नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हो आप। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी लाइफ और आपकी मैरिज लाइफ और भी अच्छी होगी। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम अनुभव ध्रुव है और मैं एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट कई सालों से वर्क कर रहा हूँ। और जो मेरा मिशन है वो मेरा मिशन है कि 1 लाख लोगों की मैरिज लाइफ को मैं सक्सेसफुल बनाऊँ, जो कि मैंने अभी तक बहुत सारी मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाया है और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी इस काम को कंटिन्यू रखूँ। सो दोस्तों, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ पर बहुत सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें वो औरत अपने बारे में बताती है कि मेरे साथ क्या क्या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। हस्बैंड आता है तो हस्बैंड अपनी तकलीफें बताता है कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, उनके इन-लॉज के साथ क्या क्या हो रहा है। और मैं उनको कई बार काउंसलिंग देता हूँ कि आप दोनों बैठकर एक बार अपना डिसीजन क्लियर कीजिए कि आपके बीच में डिस्प्यूट क्या है और डिस्प्यूट को कैसे सोल्यूशन में बदला जा सकता है और उस सोल्यूशन से आपकी मैरिज लाइफ को और कैसे स्ट्रोंग किया जा सकता है। कई बार मैं सक्सेसफुल भी हो जाता हूँ पर ज्यादा बार मैं अनसक्सेसफुल होता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, वो एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो उनका जो फाइनल डिसीजन यही हो जाता है कि हमें तो लास्ट में डाइवोर्स ही लेना है। तो वहाँ पे भी मैं उनकी मदद करता हूँ कि लीगल कंसल्टेंट कैसे किया जाता है, उनको कैसे किन किन परेशानियों की दिक्कत आ सकती है और वो कैसे कैसे अपने आप को फेस कर सकते हो कोर्ट में। सो दोस्तों, मैं उनको ये प्रोवाइड करवाता हूँ कि आपको किस तरीके का एडवोकेट करना चाहिए, किस तरीके का केस डालना चाहिए, कैसे आपका सोल्यूशन होगा, कैसे आप अपने केस में अपनी बातों को बता सकते हैं। सो मैं बहुत चीजों में एडवाइस करता हूँ उनको और एडवाइस करते करते मैंने इतना सीख लिया है कि जब कोई मेरी रिलेशनशिप टूटने की कगार पे हो तो मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि अगर वो एक बार आके मेरे से कंसल्टेंट करे और मेरे दिए हुए नंबर पर वो एक बार बात करे तो शायद उनका रिलेशनशिप बच सके। मैं जो ये काउंसलिंग है 2 स्टेप में करता हूँ। पहले स्टेप में हस्बैंड से अलग बात करता हूँ, वाइफ से अलग बात करता हूँ। फिर जो दूसरा स्टेप होता है उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे बिठाकर जब उनसे बात करता हूँ और उनके जो बीच में डिस्प्यूट होते हैं उनको खत्म करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड और वाइफ कुछ ऐसे अपने सीक्रेट्स होते हैं जो बताना नहीं चाहते हैं और वो मेरे को बताते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पार्टनर को नहीं बताना है। तो उनके जो सीक्रेट्स होते हैं उनको मैं हरदम सीक्रेट ही रखता हूँ और मैंने अपनी टीम को ही बता रखा कि जो जिसका भी जो सीक्रेट है उसको सीक्रेट ही रहना चाहिए, क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के सीक्रेट पता लगते हैं तो वो और भी एग्रेसिव हो जाते हैं और उनके रिलेशनशिप में और भी डिस्प्यूट आ सकते हैं। सो किसी का भी अगर कोई सीक्रेट होता है मैं बिल्कुल भी दूसरे पार्टनर को उसका सीक्रेट शेयर नहीं करता हूँ। सो दोस्तों, अगर आपके भी रिलेशन में कोई ऐसा है जिनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा हो या ऐसी कगार पे हो कि आगे उनका रिश्ता खत्म होने वाला है तो एक बार जरूर मेरे को एडवाइस करना कि मैं उनका रिलेशनशिप में कुछ मदद कर सकूं और उनको एक ऐसे कंसल्टेंट दे सकूं जिनकी वजह से उनका रिश्ता बच सके। और मैं एक और एडवाइस देता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी जो वीडियो, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है, अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार मेरे YouTube चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो बना रखी जो रिलेशनशिप डिस्प्यूट के ऊपर बेस्ड है, जिनमें रिलेशनशिप डिस्प्यूट का जो बारे में बता रखा है कि क्यों होता है डिस्प्यूट और उनका सोल्यूशन बता रखा है और सोल्यूशन को करते हुए कैसे मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। और मेरा एक प्रोग्राम है 10 दिनों का, उस प्रोग्राम में भी अगर आप ज्वाइन होते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको अपने मैरिज को सक्सेसफुल बना सकते हो। सो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना और आपको लगे कि ये किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो इसको शेयर करना मत भूलना। और आप जो भी आपको अगर कमेंट्स करना है या कुछ भी आपको सवाल पूछना है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूँ, तो प्लीज इस पे जाकर विजिट जरूर करना और अपना जो भी सवाल, अपना क्वेश्चन उस पे छोड़ देना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, नमस्कार।